जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तुम्हारा, चूंकि तुम आ गए वो भी इतना जल्दी। मुझे पता था आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी आ गई। चलिए चलो। एक मिनट, गजे वाले किस तरह दे रहे जोड़ी? 150 की दो जोड़ी। 150 आप दे दो एक, बल्कि ऐसा करो दो जोड़ी दे दो। हाँ हाँ, ये वाली है, ये ताजी वाली। हाँ सही है। ये तुम्हारे लिए रख लो। मेरे लिए? ये तुम्हारे लिए है। ऐसा करना, दो तुम रख लेना और दो सारा को दे देना। अच्छा नहीं लगता ना, तुम कचरे लेके जा रही हो और तुम्हारे पास हो उसके पास ना हो तो। मंगवाए थे सारा ने? नहीं, मंगवाए नहीं थे, बस तुम्हें मैंने दिए गजरे तो बुरा लगेगा ना कि उसके पास नहीं होंगे, तो तुम जाके उसको दे देना। चले। सुनो, कहीं रास्ते में खाना है कुछ? नहीं, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, बस चलते हैं। चलो चलो ठीक है। हमीदा जी, इधर आओ, पास बैठो। सारा सो गई है क्या? नहीं, अभी तो जाग रही है। अच्छा हमीदा, तुमने वो मेरे काम के सिलसिले में बात तो नहीं की ना उससे? मैं नहीं चाहता उसे कुछ भी पता चले। बनाना तो पड़ेगा, कब तक छुपाएंगे आप उससे? और वो सुना है वो सेठ सब फैक्ट्री बेच रहे हैं, फिर हमारे कारखाने का काम तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो नई फैक्ट्री खरीदने वाले उनके अपने वेंडर्स हैं, तो हमारा तो सारा काम ही उनकी फैक्ट्री के लिए होता है ना, तो परेशानी ही हो रही है। असर साहब, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, काम कर लूंगा मैं, काम करने वाले के लिए क्या मुश्किल है, बस मैं चाहता हूँ बेटी परेशान ना हो। देखो, उसने अपनी जिद में नौकरी की है, तो मैं नहीं चाहता कि नौकरी उसकी मजबूरी बन जाए। नहीं बताऊंगी मैं। मीरा, मैं तो कहता हूँ बस जल्दी से शादी करो, उसकी रिश्ता ढूंढो, रुखसत करते हैं उसे। हाँ, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रही थी। वो रुमाना है ना, वो वहाज के लिए सारा का हाथ मांगना चाहती है। तुमसे बात की उन्होंने? हाँ, अभी तो बस जिक्र किया उन्होंने, हमारा इरादा जानना चाह रही थी। मैंने भी अमान की जाहिर कर दी वैसे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरी बेटी मेरी बहन के घर ही चली जाए, और रुमाना तो बड़ी प्यार करने वाली है, मेरी बेटी राज करेगी उस घर में इंशाल्लाह। ठीक है तो। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे आइंदा बात करे ना तो तुम हाँ कर देना, काम छूट रहा है मेरा, लेकिन पैसों वैसों की फिक्र ना करना, मैं पकड़ लूंगा कहीं से कोई रकम। बस मैं चाहता हूँ कि पूरी धूमधाम से मेरी बच्ची की शादी हो, कोई अरमान उसके दिल में रह ना जाए। हाँ सब सही होगा इंशाल्लाह। अच्छा हो गया नहीं तो? जी बहुत अच्छा हो गया। अरे दुरैया सुनो, बाहर चला गया क्या? हाँ, वो तो दरवाजे से ही चले गए। अंदर तो बुला लेती हूँ उसे।
नहीं तो लोग आने का तो नहीं आए होंगे। ये गजरे बहाज ने दिलाए? हाँ जी। माशाल्लाह। ये बहाज ने आपके लिए भेजे हैं, स्पेशल कहा था कि आपको दे दूँ। अच्छा चलो चलो। सुनो कुछ नहीं, जाओ। शुक्र है तेरा या अल्लाह। पता नहीं क्या कुछ सोच लिया मैंने कल। मैं माना को फोन करती हूँ। ये क्यों कॉल कह रहा है? हेलो। हेलो दुरिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकता। मैं आपसे कहा था कि अपनी दोस्त से हमारी सिफारिश कीजिएगा, लेकिन आपने तो अपना ही नंबर ऑफ कर दिया। नहीं, वो असल में आपने मेरा दिल रखने के लिए मुझसे वादा तो कर लिया, लेकिन आपने वो वादा कभी निभाना ही नहीं था। और क्यों निभाएंगे आप? अपनी दोस्त की मुखालफत थोड़ी करेंगे आप, तो उसी की हिमायत करेंगी ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, आपका इरादा ही नहीं था ये वादा पूरा करने का। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपने अगर मुझसे वादा कर ही लिया था तो उसको निभा लेती, वादा क्यों तोड़ा आपने? मेरी बात सुने, मैंने की थी बात उससे, लेकिन वो कह रही थी कि वो आपसे खुद बात कर लेगी, तो कर लेगी ना वो आपसे कॉन्टेक्ट। आप इंतजार कर ले थोड़ा सा। और कितना इंतजार? आपको पता है कितने दिन हो गए मैंने नौशी की आवाज तक नहीं सुनी। नहीं, आप मुझे और इंतजार नहीं करना, और अब मेरा ये काम आप ही कराएंगी, आप ही बात करवाएंगे मेरी उससे। देखिए मैंने तो कह दिया था उसको आगे उसकी। देखिए आप मुझे एक बात सच सच बताएं। पूछें? नहीं नहीं, आप वादा करें कि आप मुझे सच सच बताएंगे। देखिए झूठ मैं बोलती नहीं हूँ वैसे भी, तो पूछे आपको क्या पूछना है। देखिए ये वो बात करवाने वाले वादे की तरह नहीं, सच्चा सच्चा वादा करें। अरे भाई पूछे ना, क्या पूछते हैं आपने, थोड़ा सा जल्दी पूछ ले प्लीज। क्या क्या नौशी की जिंदगी में कोई और आ गया? क्या वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती है? देखिए भाई। नहीं नहीं, देखिए नहीं, आपने मुझसे अभी अभी वादा किया है ना कि आप मुझे सच बताएंगी, तो आप इस वादे को निभाएं और मुझे सच सच बताएं। क्या बात है? हाँ नौशी शादी कर रही है। क्या वो वाकई शादी कर रही है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकती है मेरे साथ, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन आप ही नहीं कहा था सच बोलो। मैंने सच बोल दिया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं आप मेरी कसम खा कर कही कि आप सच कह रही, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पर। आप रो रहे? आप कसम खा के सच सच बताए क्या वो बाकी शादी कर रही है? यही सच है वैसे, शादी तो वो कर रही है, लेकिन आप रोना तो बंद करें। क्या आप मुझसे मिल सकते? नहीं मतलब क्यों, मुझसे क्यों मिलना है आपको? मुझे बात करनी है आपसे। तो करें ना, फोन पे ही करें बात, में मिल नहीं सकती आपसे भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे आमने सामने बैठकर आपसे बात करनी है। आप बस कल आ जाएं मेरी शॉप पर। खुदा हाफिज। शाहरुख मैं नहीं मिल सकती। तो नहीं है यार, मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए था कि नौशी शादी कह रही है, गलत तो नहीं करती है कुछ? सारा कब तक काम करोगी, घर नहीं जाना क्या? हाँ मैं मुझे है भी आधा घंटा ना, मैं
तुम निकलो, मैं चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी वैन आ गई है। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ अम्मी, मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं रिसीव की, तो मैं सोचा आपको वॉइस नोट भेज दूँ। मैं 8:30 बजे तक घर आऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होइएगा, मैं ठीक हूँ। ओके बाय। काम खत्म नहीं हुआ आपका? ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा क्या कर दिया मैंने आपको? मैं तवज्जो ही तो किया। माफ कीजिए, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। हैरत है आपको मेरा मुनासिब अंदाज इतना नामुनासिब सा लगा। खैर, मैं तो आपके पास इसलिए आया था ये पूछने के लिए कि अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं आपको ड्रॉप दे सकता हूँ। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, गुड लक। क्यों दिया नौशी ने मेरा नंबर इसको? अम्मा के साथ उसने कॉल कर दी ना तो टुकड़े करके फेंकेंगी मेरे। नौशी को फोन करती हूँ, उसको भी क्या बताऊंगी। भैया आगे जरा मेरे पाँव तो दबा दे। जी अम्मा, आई। आपको मेरा मुनासिब अंदाज इतना नामुनासिब सा लगा। खैर, अगर आपके पास इसलिए आया था ये पूछने के लिए कि अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं आपको ड्रॉप दे सकता हूँ। आ जाओ सारा। मैम, आपने जो मुझे पॉइंटर्स दिए थे बनाने के लिए वो मैं कल दे दूँ आपको? ओके ठीक है, थैंक यू मैम। मैं कल फर्स्ट हाफ में सबमिट करा दूंगी। क्या करा था वो? कौन? सरफराज। वो यही कह रहे थे कि कब आप जाएंगी। यू मस्ट बी केयरफुल सारा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं हो इसलिए समझा रही हूं। इस ऑफिस में स्टे करना है तो जितना हो सके सरफराज से दूरी रखना, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी। थैंक यू मैम, मैं ऐसे ही करूंगी। ऑफिस।
खत्म नहीं हुआ। ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा क्या कर दिया मैंने आपको? मैं तवज्जो ही तो किया। यू मस्ट बी केयरफुल सारा, इस ऑफिस में स्टे करना है तो जितना हो सके सरफराज से दूरी रखना, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी। हेलो अब्बू। हेलो सारा, कहाँ रह गई बेटा? बस अब्बू मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। बस जल्दी से आ जाओ, वही माँ परेशान हो रही है। अम्मी को बताया था मैंने अब्बू। अरे माँ है ना, बस तुम बातें ना करो, बस आ जाओ जल्दी से, मैं बता देता हूँ मीरा, ठीक है? खैर से आओ। अच्छा चले, ओके बिहारी, खुदा हाफिज। ये लो बेटा। अच्छा ये बताओ कल कब तक आ जाओगे? मैं तो वक्त पे आ जाऊंगा, लेकिन आप तो जा रही है ना मामू जान से बात करने के लिए कल? हाँ जाना तो था मुझे, लेकिन आपा का फोन आ गया था ना, अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी बेटा, इसलिए सोचा कि फिर कभी चली जाऊंगी। मैं क्या बात है, क्या मेरे और सारा के रिश्ते से खुश नहीं है? पागल हो गए हो क्या? क्यों खुश नहीं होंगी? तो ये सब क्या है? आप मामू जान से बात करने में इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? पहले भी टाल मटोल कर रही थी, अभी वही कर रही हैं। आप सीधा सीधा खाला जान से कह क्यों नहीं देती कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं? नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, जब पापा घर आ रही है तो मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती ना, और अच्छा है ना वो आ रही है, मैं उनसे बैठ के बात कर लूंगी। उनको पता होना जरूरी है बेटा, वरना वो नाराज होंगे। मैं आप क्या छुपा रही हूँ मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही हूँ, तुम भी ना बस इधर उधर की सोचते रहते। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम आपा के सामने सर नहीं उठा सकते, आपा ने मेरे और भाई के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए कह रही हूँ कि उन्हें आने दो, उनके साथ बैठ के मैं बात कर लूंगी, तो इस तरह से तुम्हारे मामू और मोमानी भी मना नहीं करेंगे। वो वैसे ही मना नहीं करेंगे अम्मी, मैं बात कर चुका मामी जान से। क्या तुमने अपने रिश्ते की बात अपने आप ही उनसे कर ली? तो फिर भाभी ने क्या कहा? वो बहुत खुश थी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उनका बेटा होता ना तो वो भी अपनी पसंद का इजहार ऐसे ही करता। हाँ कह तो ठीक ही रही है भाभी। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, इसका वाहिद हल है कि खाला जान से अब सीधी सीधी बात करें कि मैं सारा से शादी करूंगा, दुरिया से नहीं। मैंने आपको वॉइस नोट भेजा, आपने नहीं सुना, मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाई, अब मेरी इसमें क्या गलती है? अम्मी काम में देर से वेर हो जाती है ना, लेकिन आपकी वजह से देखिए मैं जल्दी आ गई, अभी तक ऑफिस में लोग बैठे हुए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम इतनी देर तक ऑफिस में नहीं रह सकती, बता दो उन लोगों को, वो भले अपना बिस्तर लगा ले, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम इतनी देर तक नहीं रहोगी, बात कर लो उनसे। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कल जाके कह दूंगी कि अगर मैं जल्दी घर नहीं आई तो मेरी अम्मी मुझे मारेंगी, और मेरी अम्मी मुझे कहती है कि अच्छे बच्चे जल्दी घर आते हैं, ठीक है? खुश मजाक समझिए सारा, तुम जरा अखबार पढ़ो या तुम टीवी देखो ना बैठ के, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, सूली पर लटकी रहती है मेरी जान जब तक तुम नहीं आती। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कह रही है आपके, इधर उधर हर तरफ बहुत बुरा हो रहा है अम्मी, लेकिन मेरे साथ ना मेरी माँ की दुआओं का हिसार बंधा हुआ है, कोई भी ताकत मेरा नुकसान कभी कर ही नहीं सकती, और आपकी दुआओं से कोई मुसीबत कोई परेशानी कभी भी जीत नहीं सकती, पता है ना ये बात आपको? हाँ
मुआ को मुट्ठी में करना अच्छी तरह आता है तुम्हें। हाँ अच्छा जाओ अपने अब्बा से मिलो और जल्दी से खाने पर आ जाओ, उनकी दवाई का वक्त भी जा रहा है। चलो जल्दी जाओ। अरे आ गई मेरी। अरे अस्सलाम। जीती रहो वालेकुम अस्सलाम। टाइम शाया करो, तुम्हारी अम्मा ने तो फिक्र के मारे आसमान सर पर। खाने के लिए खाया आपने अभी तक? तुम्हारे बगैर कभी खाया है? अरे हलक से निवाला नहीं उतरता, सारे दिन में एक दिन तो खाना खाते तो साथ में खाए ना। याद ही डॉक्टर ने क्या कहा था आपको, अम्मी ये खाना ही नहीं खा रहे, दवाई किस तरह खा रहे हैं आप? बगैर खाने के किस तरह ठीक होंगे आप बताएं मुझे। ठीक हूँ मैं, तुम बस फ्रेश हो जाओ वरना भी आवाजें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अरे तुम अभी तक यही खड़ी हुई हो? अरे छोड़े हम चले खाना खाए। अम्मी जल्दी से आए टेबल पे, आपने अभी तक खाना ही नहीं लगाया, जल्दी आए करें। बातें सुनो इसकी। हेलो हेलो, जा क्यों रही हो तुम इस वक्त? हाँ काम कर रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो अब तक? मैं भी काम ही कर रहा था, बच्चों के पेपर्स चेक कर रहा था। तुम मुझे क्यों कॉल किए? क्योंकि तुम ऑनलाइन नजर आए तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं, तुमसे तो वो भी नहीं होता। क्या नहीं होता? मतलब ये कि बात किया करो मुझसे, तुम्हारा दिल नहीं करता मुझसे बात करने को। क्या हो गया आज? इतनी बातें तो करते हैं हम जब भी तुम आते हो। तो क्या इतना काफी होता है तुम्हारे लिए? हाँ काफी होता है, क्या इतना काफी नहीं होता? नहीं बाज, पता नहीं मैं वो टाइप नहीं हूँ हर वक्त फोन पे क्या खाया क्या पिया। सॉरी। जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी यही सादगी तो तुम्हें सबसे अलग करती है। हमेशा ऐसे ही रहना, सबसे अलग सबसे खूबसूरत। बोलो कुछ बात करो। नहीं मुझसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। इसके बाद मुझसे बात नहीं हो रही, क्या बात करूं मैं? अच्छा चलो हाँ वो बताओ तुम्हें गजरे कैसे लगे? गजरे? कौन से गजरे? गजरे जो मैंने दुरैया के हाथ भिजवाए थे वो। दुरैया के हाथ? तो मुझे तो नहीं मिले कोई गजरे। दुरैया ने तुम्हें गजरे क्यों नहीं दिए? भूल गई होगी वो, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू किस बात का है, जो चीज तुम तक पहुंची नहीं उसका थैंक यू करने की क्या जरूरत है। खैर कोई नहीं, मैं दोबारा भिजवा दूंगा तुम्हें। ये शुक्रिया किसी चीज के लिए नहीं है, ये शुक्रिया एक एहसास के लिए जो तुम्हारे अंदर है मेरे लिए, बस इसलिए शुक्रिया कह रहे हैं। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। जी अम्मा। हाँ दुरैया मैं निकल रही हूँ रुमाना की तरफ, तुम सारा काम वाम खत्म कर लेना, खाना जरूर बना लेना और फिर नीचे चली जाना। क्यों? मैं मतलब है क्यों जा रही? क्या मतलब क्यों जा रही? खैरियत है ना सब? खाला वगैरह की तबीयत ठीक है? कुछ कह तो रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खैर मैं इस काम से नहीं जा रही, तुझे पता है मैं किस काम के लिए जा रही हूँ। मामी को बिल्कुल पता ना चले, अगर वो पूछे तो कहना कि मैं दुकानों का किराया लेने के लिए गई हूँ, मैं खाला की तरफ गई हूँ ये जिक्र नहीं होना चाहिए, समझ गई? ठीक है। अम्मा सुनी कितनी दफा कहा है जब कोई इंसान जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं देते,
मनहूसियत होती है, होते हुए काम भी रुक जाते हैं। नहीं, वो बस इतना सा पूछना था कि वापस कब आएंगे। अब तुम कुछ ना ही पूछो तो बेहतर है, और सहेलियों को ना घुसा लेना पीछे से घर में। थैंक यू किस बात का है? जो चीज़ तुम तक पहुंची नहीं उसका थैंक यू करने की क्या जरूरत है। खैर कोई नहीं, मैं दोबारा भिजवा दूंगा तुम्हें। अरे दुरैया, कहाँ जा रही है बेटा? वो मैं नौशीन की तरफ जा रही थी ना, उस शादी है ना उसकी, तो वो गिला कर रही थी मुझसे मामी कि मैंने चक्कर नहीं लगाया ना किसी काम में उसके हाथ बटाया, तो मैं सोची थी चली जाऊं। आपको कोई काम है तो नहीं जाती? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, और यही तो दिन है, शादी हो जाएगी उसकी तो तुम्हारी सहेली चली जाएगी, जल्दी आ जाना। हा? जी जी मैं जल्दी आ जाऊंगी। मामी ये बांध देंगी, पर्दे के बिना घर से बाहर जा सकते हैं। थैंक यू। चलो मैं दरवाजा बंद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। May I come in, ma'am? Yes. ma'am, ये आपने कल जो pointers बनाने के लिए दिए थे मैंने बना लिए। मुझे नहीं चाहिए। जी? I don't need this anymore. मैंने खुद बना लिए थे। ये मुझे कल चाहिए थे, आज नहीं। सॉरी मैम, वो असल में बस असल में ये काम की जगह है, और यहाँ अपनी कन्वीनियंस के लिए हाथ से काम नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। सॉरी मैम, इट वोंट हैपन अगेन। क्या मतलब? बॉस नहीं हूँ मैं तुम्हारी, सिर्फ चंद दिन है तुम्हारे मेरे पास। जो सीख सकती हो सीख लो, चुपचाप ट्रेनिंग मुकम्मल करो और देखो कहाँ फिट इन होती हो। पावर पॉइंट आता है? जी जी। इधर आओ, ये देखो, ये कुछ वैल्यूज लिखी है मैंने, इसको टैली करो पहले और फिर चार्ट कंप्लीट करो। जी मैम। ध्यान से काम करना, मैं बॉस के पास हूँ। ध्यान से सारा,
इतनी आसानी से कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सॉरी मैम, सॉरी। इतने मजे से खा रही हो तुम, यहाँ मेरी जान को बनी हुई है। मेरी माँ को पता चल गया ना तो वो तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या करेंगी। दुरैया तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? मैं किसके दर दुख में हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती। सबकी आंखें मुझ पे हैं, शादी है मेरी, तो ये जाके उसको बताओ ना। मुझे नहीं, उसको फोन करो, उससे बात करो जो भी है। और क्यों मिलूं मैं, क्यों मिलूं उससे? तो ना मिलो ना, मैंने तो तुम्हें कहा था उसको भी कुछ मत बताओ। अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए उम्मीद में। शादी के बाद पता चलता तो रिएक्शन कुछ और होता। हाँ ना, बस गलती हो गई मुझसे। अब ना देखो, तुम खुद संभालो जो भी कहना है, मुझसे नहीं संभल रही ये चीजें। तुम एक काम करो, तुम अपना नंबर बदल दो। और उसने वाकई अपने साथ कुछ कर लिया तो तुम जाके बचाओगी? उसने जो करना है अपने साथ वो कर लेगा, और ऐसे लड़के किसी के साथ सीरियस नहीं होते। मेरे साथ कभी सीरियस नहीं था वो, मुझे यही पता है कि जब वो मेरे साथ था तो 2-4 और लड़कियों के साथ भी था। कुछ नहीं करेगा। मुझे तो बड़ा सीरियस लगता है वो तुम्हारे साथ। सुने हैं मैंने उसके रोने तुम्हारे लिए। तो क्या करूं, भाग जाऊं उसके साथ? अपने अम्मी अब्बू की इज्जत पे राख डाल दूं? ये जो लड़के होते हैं ना, जो शादी से पहले आपके लिए रोते हैं, ये शादी के बाद रुलाते भी उतना ही है। ये याद रखना मेरी बात। अच्छा भाई, मुझे नहीं पता, ये जो भी तुम्हारी मंदा कहना है ये जाके उसको समझाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस उसे कहो कि मुझसे दूर रहे, मुझे कॉल नहीं करे। अच्छा करती हूँ मैं आज बात उससे। कब करोगी? करती हूँ आज ही। हाँ सही है, लेकिन तुम अपना नंबर भी चेंज करो, ब्लॉक कर दो बल्कि उसे। चाय बनाओ तुम्हारी। नहीं नहीं, पी लो। नहीं मैं जा रही हूँ, अम्मा को बता कर नहीं आई भी भाई। उनको पता चला कि मैं आई हूँ तो गुस्सा होंगी। मैं जा रही हूँ, बस तुम उससे बात कर लेना। अच्छा चलो, चक्कर लगाती रहा करो, और मैं बात करती हूँ उससे, टेंशन नहीं लो। सही है। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। कम ठूसो, शादी है तुम्हारी। सुना है वो सेठ साहब फैक्ट्री बेच रहे हैं। हमारे कारखाने का काम तो बंद हो जाएगा क्योंकि कुछ नई फैक्ट्री खरीदने वाले उनके अपने वेंडर्स। तुम्हारा तो सारा काम ही उनकी फैक्ट्री के लिए होता है ना, तो परेशानी हो रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैम ने काम दिया, वो कर रही हूँ। कुछ परेशान लग रही हैं आप। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, पर अगर हूं भी तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये भी है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके परेशान होने से मुझे फर्क पड़ता है तो ये भी आपको बुरा लग सकता है, इसलिए नहीं कहता। लेकिन सच यही है सारा कि मुझे फर्क पड़ता है। ऐसा ही हूं मैं, मुझसे किसी की परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। ये बात मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं की। तो छोड़ दे मुझे परेशान करना आप, अगर आपको फर्क पड़ता है तो। मैं आप... बॉस के रूम में, मुझे उनका काम जल्दी करके देना। थैंक यू। ठीक है, मैं चला जाता हूं, आप अपना काम जारी रखिए। जाते जाते गुजारिश है आपसे, घबराए मेहरबानी, जो फूल आपने बेदर्दी से फर्श पर फेंके हैं उन्हें उठाकर ऊपर रख लीजिए। यकीन जानिए उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है मेरी तरह।
पापा ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप मेरे वहाज को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। दुरैया जैसी लड़की किसी भी बेटे की माँ का ख्वाब हो सकती है। तो फिर बताओ सोचने में इतना वक्त क्यों ले रही हो? जानती हो वहाज ने दुरैया को गजरे दिलवाकर जता दिया है कि वो उसे पसंद करता है। नहीं नहीं आपा, वहाज ने दुरैया को इसलिए गजरे नहीं दिलवाए होंगे, वरना वो तो क्या आए बाएं शाएं कर रही हो? जो बात है वो बताओ तुम। जब दुरैया तुम्हें पसंद है, वहाज को पसंद है, तो फिर आपा वो वहाज शादी नहीं करना चाहता। देखो रुमाना, मेरे साथ ना ये दुनियादारों वाली गुफ्तगू तो तुम मत करो। जब मैंने बेटी की माँ होकर सीधी बात कर दी तो तुम क्यों बात की लस्सी बना रही हो? खुलकर बताओ। जो मैं समझ रही हूँ ठीक है? जी आपा, वो वाहद सारा को पसंद करता है। मैंने कई बार बात की है उससे, इसीलिए तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपको इनकार करूं।